इर गर्दन घा हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसा आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरशद अली 99। तो आज है संडे और आज हम लोग जा रहे हैं लोनावला। लोनावला जाने का रीज़न ये है कि आज हमारी बाइक को लिए हुए पूरे एक साल हो चुके हैं। तो एक साल में सोचा क्यों ना आज एक अच्छी सी राइड भी चली जाए। तो जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, चैन हमारी बहुत ड्राई हो गई है और इसको थोड़ा लूबिंग की ज़रूरत है। तो मैं यूज़ करता हूँ मोटुल का C2 रिचैन लूप के लिए। तो चलिए अब निकलते हैं, अब सीधा आप लोग को मैं मिलता हूँ बाइक पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। अभी मुझे मेरे दोस्त अल्ताफ को पिक करना है, फिर हम वहाँ से निकल जाएंगे। फिलहाल तो अभी हो गए हैं बहुत लेट, मेरा दोस्त खड़े खड़े इंतज़ार कर रहा होगा मेरा, अभी बहुत भड़केगा मुझे, बोले 7 बजे बोल के तो 7:30 बजे आ रहा है, बहुत भड़केगा ये खड़ा है। ब्लैक डॉन। आई एम ऑल द वे टू लोनावला। तो आप लोग मेरा ये मिरर देख रहे होंगे कि मैंने मिरर ऐसे क्यों रखा है। मैंने एक्चुअली अपना मिरर सीधा करवाया था, मतलब खुलवाया था, नीचे पीछे का व्यू दिखे तो थोड़ा मुझे ऑड दिख रहा था, क्योंकि जब से मैंने बाइक लिए ना तब से मैंने मिरर अपना ऐसे ही रखा है। तो गाइस कुछ भी बोलिए, सुबह में राइड करने का मज़ा अलग ही रहता है। रोड पूरी खाली खाली, सिर्फ ये रहता है कि बस हाँ हम ही हमें, हमसे आगे कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, जिन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी हाईवे, इतनी अच्छी रोड बना के दिए। थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं वाशी टोल नाके पे। सो फार सो गुड। मुंबई से बाहर जाने के 3 बड़े हाईवे हैं। तो सबसे बड़े 3 हाईवे ये हैं कि एक तो गुजरात वाला है, एक आगरा वाला है और एक ये पुणे वाला है। तो सबसे अच्छा A1, सबसे अच्छा मुंबई से बाहर जाने के 3 हाईवे में से सबसे अच्छा ये वाला है, क्योंकि जितना स्पेस आपको इस हाईवे पे मिलेगा ना, उतना कोई हाईवे पे नहीं मिलेगा। चाहे वो अंधेरी वाला हाईवे हो या कल्याण वाला हाईवे हो, किसी पे इतना स्पेस आपको मिलेगा ही नहीं जितना आपको स्पेस यहाँ पे मिलेगा, चाहे वो कार चलाने के लिए हो, बाइक के लिए, ट्रक के लिए, बस के लिए, किसी के लिए भी। अभी हम नेहरुल पहुंच चुके हैं, इस वक्त अभी हम नेहरुल में हैं। और आप लोग जो नेहरुल में रहते होंगे उनको मालूम होगा कि यहाँ पे एक DY पाटिल स्टेडियम भी है। एक्चुअली एक दिक्कत हो गई, मैंने ग्लव्स लाया और पहनना ही मैं भूल गया, तो पहन लेता हूँ क्योंकि सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मोटो व्लॉगिंग। नाउ वेयरिंग दीज ग्लव्स आई एम लुकिंग द प्रॉपर मोटो व्लॉगर आफ्टर वेयरिंग दीज ग्लव्स। सो वी आर इन पनवेल हाईवे, वी आर जस्ट क्रॉसिंग द पनवेल हाईवे। सो फार सो गुड। आप लोग कभी भी लोनावला या पुणे या गोवा जाए तो ये हाईवे बिल्कुल बना ले, क्योंकि ये हाईवे सिर्फ बाइक के लिए है, कार्स के लिए है। आप लोग को मुंबई पुणे स्काई वॉक या ब्रिज या फ्लाई ओवर ये नहीं लेना है, क्योंकि ये सिर्फ कार्स के लिए रहता है। आप लोग को बाइक वाले लोग को हमेशा ओल्ड हाईवे से जाना है,
ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से जाना है। हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने दोस्त के लिए चश्मा लेने के लिए, तो उसने चश्मा पसंद किया है, तो ये वाला चश्मा उसने पसंद किया है ये अंकल के पास से। तो आप लोग कभी भी लोनावला जाएं या पुणे जाएं ओल्ड बाइक से, ओल्ड पुणे हाईवे से आप कभी भी जाएं तो अंकल से ज़रूर मिलें। अंकल आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार साहू नाम है अंकल का। कभी भी जाएं आप इनसे चश्मा ले या हेलमेट ले, कभी आप भूल गए हो चश्मा अपना गॉगल्स भूल गए हो तो इनसे ज़रूर लें, ठीक है। और अंकल से हमने अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवा दिया है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू गो गोवा पंजिम और पनवेल लोनावला, यू ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रिफर दिस हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। तो अभी हम लोग पनवेल सिटी क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हाईवे की एक अच्छी बात ये है कि मैं मुंबई से यहाँ तक में पनवेल सिटी तक में जो अब क्रॉस कर रहा हूँ पनवेल सिटी यहाँ तक में मैं सिर्फ दो सिग्नल पे रुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ दो सिग्नल पे, और कहीं रुका ही नहीं हूँ क्योंकि हाईवे पूरा खाली रहता है, रुकने का कहीं मौका ही नहीं रहा, बस चलते रहो। दैट्स वाई आई लव दिस हाईवे। सो वी आर इन करजत हाईवे, वी कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर इन 1 आवर, द एवरेज स्पीड इज 60। मुंबई से दूर हटने की एक चीज़ ये अच्छाई है कि ग्रीनरी बहुत देखने मिलती है। मुंबई में आपको कभी इतनी ग्रीनरी देखने नहीं मिलेगी जितनी मुंबई के बाहर मिल जाएगी। मुंबई से आप बस 30 से 40 किलोमीटर दूर होइए, इतनी ग्रीनरी मिलेगी आपको, आपको ऐसा लगेगा आप गांव में आ गए। अभी ऐसे मुझे बहुत से गाड़ियां दिखी हैं जो संडे राइड के लिए सब भाई लोग निकले हैं। लीजिए एक और। सो वी आर क्रॉसिंग नडल विलेज, नडल गांव हम क्रॉस कर रहे हैं और खोपोली 17 किलोमीटर है, खंडाला 27। ओके, आपको अगर करजत जाना हो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से तो आप ये टर्न ले सकते हैं, ये स्पेशल करजत जाने के लिए ही है। तो अभी हम लोग एक स्पॉट लेंगे अपना, रुकेंगे यहाँ पे। अभी हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं माथेरान करजत क्रॉसिंग हाईवे पे, जो ये रोड लोनावला जाता है सीधा रोड, और यहाँ पे अगर हम हाईवे लेते हैं अगर माथेरान या करजत जाना रहेगा तो हम ये हाईवे लेंगे जो अभी आपको मैंने भी बताया है। तो अभी एक हम हॉल्ट लेंगे, चाय पियेंगे, और बहुत से बाइक वाले भाई हमारे ज्वाइन करें हमको। ये देखिए आप, यहाँ पे सब राइडर्स भाई है हमारी तरह, ये भी सब संडे राइड पे निकले, और इस टपरी में हम अभी चाय पियेंगे। ये रहा हमारा सुबह का नाश्ता, भजिया और वड़ा पाव, मुंबई फेमस। सुबह सुबह की कड़क चाय, तो चाय नाश्ता हो गया है और बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग। सोचे थे 5 मिनट रुकेंगे, 10 मिनट, लेकिन रुक गए आधा घंटा, चलिए निकलते हैं अब, देर तो अच्छी खासी हो गई है। एक अफसोस रहेगा अब की लोनावला आने का कि अब की हम बारिश में नहीं आ पाए, ये दुख रहेगा हमेशा। बारिश में आते ना तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। कोई नहीं, जस्ट लुक एट दिस क्लाउड्स। आप लोग कैमरे में नहीं देख पा रहे होंगे जो मैं अपनी नजरों से देख पा रहा हूँ, पहाड़ भी इतना अच्छा फॉग फॉग है, वाव। सब राइड पे निकले आज संडे राइड पे, देखिए आप लोग, और कैसे सब अपने सेफ्टी गियर्स के साथ जा रहे हैं वो भी देखिए आप लोग।
तो आप लोग भी कभी भी ऐसे राइड पे जाएं बिना गियर्स के ना जाएं, गियर्स जरूर पहने, जरूर से जरूर पहने, क्योंकि सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। जान है तो जहान है, वरना सब शमशान है। तो फाइनली हम खोपोली पहुंच चुके हैं और ये खोपोली की पहली दरगाह। माशाल्लाह क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। तो फिलहाल हम लोग लोनावला के पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर चुके हैं। वाह क्या वेदर है यहाँ का। ओए होए लगी नहीं रही है कि धूप का मौसम है। पूरी जिगजैग रोड है ये खपोलो की, पूरी जिगजैग रोड। ओह माय गॉड। गिर गर्दन घाट। ये कहाँ लेके जा रही गाड़ी? अरे बाप रे, ऐसे लग रहा है मैं मोटो जीपी में चला रहा हूँ। द घाट ऑफ द खंडाला, द घाट ऑफ द खंडाला। ओ माय गॉड। माशाल्लाह माशाल्लाह बकरियां और प्यारे प्यारे पहाड़। ये ब्रिज हम लोग की सबसे फेवरेट ब्रिज है। ये ब्रिज पे हमेशा हम लोग रुकते हैं, हमेशा एक्टिवा से जब ही आते थे, अब बाइक आ गई है तो इससे आ रहे हैं, इससे हमेशा रुकते हैं। अब फिर रुकेंगे यहाँ पे। व्यू देखिए आप लोग यहाँ से, क्या नज़ारा है यार। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छी खासी ऊंचाई पे हैं हम लोग, अच्छी खासी ऊंचाई पे। तो बहुत सारी फोटोज खींची हमने यहाँ पे, बहुत सारी वीडियोस बनाए यहाँ पे हमने। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे के लिए बूशी डैम और टाइगर पॉइंट के लिए। लोनावला का मौसम बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा मौसम है। धूप है मौसम, हाँ धूप है लेकिन गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये वही ब्रिज है जहां पे कुछ दिखता नहीं है सिर्फ फॉग के अलावा बारिश के टाइम पे। ये वही ब्रिज है। इंशाल्लाह मैं इस बाइक पे एक पर्सनल वीडियो, डेडिकेट वीडियो एक बनाऊंगा कि एक साल में मेरी बाइक कितने किलोमीटर चली, क्या अच्छे दिन क्या बुरे दिन इस बाइक के साथ रहे, इस बाइक में क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयां हैं, वो सब आपको मैं कुछ जल्दी एक वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल हम लोग लोनावला पहुंच चुके हैं और पुणे जाने का ये सीधा रास्ता है और लोनावला और बूशी डैम जाने का ये रास्ता है, टाइगर पॉइंट बूशी डैम जाने का ये रास्ता है। भाई लोग ये चेकआउट करो, आई लव लोनावला। जैसे लव मुंबई लव बांद्रा है तो आई लव लोनावला। सो पीपल By the grace of God, we finally reach our destination, Lonavala. And here it is. Finally, we reached.
लोनावला तो हम लोग पहुंच चुके हैं, फोटोज़ भी बहुत सारी ले ली है यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बूशी डैम पे, फिर बूशी डैम से जाएंगे हम टाइगर पॉइंट पे। तो आप लोग जब तक वीडियोस देखिए एंजॉय कीजिए, और जानता हूँ मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होती जा रही है। सो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं बूशी डैम पे, लेकिन यहाँ पे बारिश जैसा कोई माहौल नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखो बारिश वाला कोई मजा नहीं रह गया अभी। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे टाइगर पॉइंट पे, तो वहां से आप लोग को मिलते हैं हम, ठीक है। वीडियो में आप लोग ने सुना होगा तो मैंने क्या कहा था कि बिना बारिश के यहाँ पे कोई मजा नहीं रह जाएगा, तो सच में बिना बारिश के यहाँ पे कोई मजा नहीं है। आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, बिना बारिश को कोई मजा नहीं है। हाँ, अगर अभी बारिश हो जाए या थोड़ी देर में बारिश हो जाए तो बस मजा ही मजा है यहाँ पे बूशी डैम पे। जब तक बारिश नहीं हो रही तो कोई मजा नहीं है इसके। तो गाइस आपको पहाड़ियों में मैं एक जगह दिखाने वाला हूँ, पहाड़ में लोनावला के पहाड़ में एक जगह दिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छी जगह है वो, बहुत प्यारी जगह। मैं अपनी बाइक को भी लेके आ गया हूँ यहाँ पे, फोटोज़ भी मैंने खिंचाए हैं यहाँ पे, आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ। आप लोग व्यू देखना और देख के बताना आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। कमेंट करके आप लोग मेरे को बताना, ठीक है। 1 2 3 ये व्यू चेकआउट करो यार, देखो कितो यार, कितनी प्यारी गाड़ी लग रही है मेरी। ये व्यू चेकआउट करो आप लोग, गाइस ये व्यू चेकआउट करो आप लोग टाइगर पॉइंट का। ये तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा आप लोग को, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द अनदर व्लॉग, बाय।